माता जी ने लिया धोने से, अब धोने से कुछ धोने वाला नहीं माता जी से। हो गया ये देखिए छोटी छोटी बच्ची और इनके परिजनों का विलाप, विलाप देख करके आपका भी कलेजा फट जाएगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला हलदरपुर थाना के अंतर्गत समराजपुर गांव में। यहां कल की आपको ताज़ा खबर बता दें, कल बुधवार को 3:30 बजे करीब आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक 32 वर्षीय महिला का ऑन द स्पॉट यानी दर्दनाक मौत हो गई है। वहां मैं पहुंचा हूं, मातम पूरे इस ग्रामीण में मातम छाया है और मातम छाने का भी रीजन है। ऐसे ये गरीब परिवार है और उन वे महिला अपने मायके में ही रहती थी, कुछ उनके घर से विवाद था। इस समय उस परिवार पर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है और पहाड़ टूटा है तो परिजनों को भी दिखाएंगे, यहाँ के लोगों को दिखाएंगे, प्रधान जी से भी बात कराएंगे। इसलिए कि प्रथम नागरिक यहाँ के प्रधान जी हैं। कैमरामैन भैया इधर दिखा दीजिए, आइए प्रधान जी। प्रधान जी चौकन्ने रहते हैं, जब भी घटना या कोई ऐसी वैसी खबर आता है तो प्रधान जी प्रशासन और शासन को तत्काल खबर देते हैं। शासन प्रशासन को प्रधान जी द्वारा, प्रधानपति हैं आप कालीचरण यादव जी द्वारा शासन प्रशासन को तत्काल खबर दिए। खबर का असर हुआ तो शासन प्रशासन भी यहां आई या न आई, अब तो बात हो जाएगी। प्रधान जी क्या नाम होगा आपका, बता दीजिए। चैनल कालीचरण यादव है, मैं ग्राम सभा कविता यादव ग्राम प्रधान है, उनके पति है। कल हमारे गांव में एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें हमारे गांव की लड़की रेखा सैनी, पुत्री अवधेश सैनी का दुखद निधन हो गया। समय से उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाया गया था, लेकिन जो जो लाश है वो मर्चेंट हाउस मऊ में रखी गई है, पाठन कराना है और उसके बाद जो भी। अच्छा, ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, बिजली अकस्मात ये मौत हो गई, इसके लिए शासन प्रशासन को क्या कहते हैं प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन की तरफ से खबर ली जा रही है, रिपोर्ट हो चुकी है, राजस्व विभाग के अधिकारी लगातार फोन कर रहे हैं, कुछ लोगों का आज यहाँ विजिट भी होना है, वो लोग मौके पर आ करके देखेंगे और जैसा सहयोग होगा वो सरकार की तरफ से। चलिए प्रधान जी की बात हुई, आप बातें होंगी उन परिजन से। यार कुछ लोग आए हैं, आज कब हुआ है और कब आप लोग सुने तो आए? करीबन 3:15 बजे के बाद एक हम लोग स्थिति में लोग थे और कहने लगे। अच्छा भाई, एक तो मौत हुई है लेकिन 8 लोगों के घायल होने की भी खबर है। जी खबर है। हेलो, वो लोग ठीक ठाक है ना? तो बता नहीं पाएंगे लेकिन पता है स्थिति लोगों की भी खराब चल रही है। 2 बजे के बाद लाश हो गई। जिस गांव में आकाशीय बिजली गिरने के चपेट में एक की मौत ऑन द स्पॉट और 8 लोग जिस गांव में घायल हो उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहां किस प्रकार की माहौल बने रहेंगे और बनी है, आइए आपको वीडियो स्क्रीन पर मैं दिखाने की निरंतर कोशिश कर रहा हूँ। माता जी और देखिए परिजन का ये विलाप, परिजनों की विलाप देखकर सुनकर के मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी है, इस खबर को नहीं दिखाते हैं तो ये गरीब लोगों को सरकार या शासन प्रशासन की कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा रहता और मदद मिलने के लिए मेरा खबर निरंतर चलता रहता है। ये देखिए विलाप, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई कैमरामैन भी इधर आए, आ जाइए बाबू आ जाइए। ये देखिए जो रेखा सैनी की मृत्यु हुई है, आज
आकाशीय बिजली गिरने से ये छोटी बच्ची अब किसके आधार रहेगी, किसका कौन इस पे ख्याल रखेगा, कौन खिलाएगा और कौन जिलाएगा। ऐसे बच्ची पर पहाड़ टूटा है, भगवान का नहीं एक आकस्मिक बिजली आकस्मिक आफत का बहुत बड़ा इस बच्ची पे कहाँ टूटा है और कहाँ टूटा है। तो मैं एक बार सोशल मीडिया और चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों को बता दूं कि ऐसे बच्चे पर अगर ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो सर जी एक बार तो ऐसे आपदा विपदा पे देखिए, ये हो रहे हैं, उनके परिजन लोग हैं। माता जी देखिए धोने से, अब धोने से कुछ होने वाला नहीं, माता जी हो गया। ये देखिए छोटी छोटी बच्ची और इनके परिजनों का विलाप, विलाप देख करके आपका भी कलेजा फट जाएगा। इस समय पहुंचे हैं घटना स्थल पर और घटना स्थल का आप लोगों को दिखा रहे हैं, वीडियो स्क्रीन पर नजारा देखिए घटना स्थल का। यहां जो कल बुधवार को 3:30 बजे के करीब आकाशीय बिजली के चपेट में एक महिला की हुई थी मौत, उस घटना स्थल पे पहुंचे हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बगीचा है, रेखा सैनी 32 वर्षीय महिला की बिजली गिरने से मौत हुई है। उनका ये बगीचा है और यहीं से फूल वगैरह जो भी काम करते होंगे। अब यहां से करीब है माँ शम्मे जी का स्थान, जब बिजली तड़पी है तो यहाँ से लोग अपने बच बचाव के लिए पहुँचे हैं शम्मे माँ के स्थान पे। आपको शम्मे माँ के स्थान का भी दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर। इस बगीचे की और शम्मे माई के स्थान की दूरी आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख करके ही समझ जाएंगे कितनी दूरी है। अब चल रहे हैं वहां शम्मे माई के स्थान पर, जहां लोग बिजली तड़पने के डर से भाग करके वहां पहुंचे थे। इस समय पहुंचने वाले हैं शम्मे माई के स्थान मंदिर पर, जहां लोग बिजली के डर से आ करके रहे थे। अब होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये तो माता जी की महिमा क्या रही है। आइए आप लोगों को दिखाएं, इस माता जी का ये स्थान है, यहीं लोग आकर के रहे हैं, फिर भी होनी को कोई टालता नहीं, होनी था तो हो ही गया। आकाशीय बिजली के चपेट में एक महिला की ऑन द स्पॉट मौत और 8 लोग की घायल होने की खबर सूत्रों का माध्यम से चला। जिस खेत की जिक्र हुई है, जिस खेत में वो लोग रोपनी के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे थे, आइए आपको दिखा रहे हैं इसे स्क्रीन पर, वीडियो स्क्रीन पर देखिए। सुनसान जगह, केवल माता की ही रेख देख यहाँ चलती है, लेकिन होनी पर किसी का बस नहीं, होनी को कोई टाल नहीं सकता।